चाटू गाइस, आप सब कैसे हो? मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले पत्ता गोभी से पीठा। तो चलिए, पत्ता गोभी से पीठा कैसे बनता है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले मैं छोटा छोटा टुकड़ा करके लेंगे। एकदम छोटा छोटा टुकड़ा करके लेंगे। चार टुकड़ा से एक टुकड़ा कट के हो गया। आधा पत्ता को भी मेरा पत्ता को भी काट के हो गया है। इसमें आलू ऐड नहीं करेंगे। मैंने पीठा बनाने के लिए चावल का आटा ले लिया 200 ग्राम और उबलता हुआ पानी भी। मैंने पहले ही पानी गर्म करके रखा है। इसमें दे देंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा थोड़ा पानी दे के एक डो बना के लेंगे। चावल का आटा का अच्छे से दो बना लिया। इसके ऊपर थोड़ा सा पानी देंगे और 10 मिनट ढक कर रख देंगे। तब तक चूल्हा जला लिया। सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई बिठा दिया। सब्जी बनाने के लिए मैं कढ़ाई में तेल दे देंगे। मैंने थोड़ा सा सूखा मसाला लिया। मैंने एक प्याज दे दिया। मैं लंबा लंबा टुकड़ा करके लिया है प्याज को। मैंने मसाला में ले लिया अदरक लहसुन जीरा का पेस्ट। मैं इसमें दे दूंगी। मसाला को अच्छे से पका के लूंगी। मैंने मसाला को अच्छे से पका के लिया है। अभी इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, मिर्चा पाउडर ऐड करेंगे, गरम मसाला ऐड करेंगे। अच्छे से सबको मिक्स करके लेंगे। जो पत्ता को भी मैं काट के रखा है उसको अच्छे से धो के रखे हैं। अभी उसका मसाला में ऐड करेंगे। अच्छे से पका के लेंगे। स्वाद अनुसार नमक दे देंगे। नमक को अच्छे से मिक्स करके लेंगे। 5 मिनट ढक कर रख देंगे। पाँच मिनट हो गया। अभी ढक्कन खोल के देखेंगे। ढक्कन दे के रखा था इसलिए थोड़ा पानी निकल गया है। इसको सूखा सूखा बनाएंगे। अभी इसमें हरा धनिया दे देंगे और अच्छे से मिक्स करके लेंगे। सब्जी बन के तैयार हो गया। अभी नीचे उतार लेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। मैंने जो चावल का जो दो बनाया था ढक कर रखा था उसको अभी थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लिया। मैंने दो को अच्छे से चिकना कर लिया। अभी इस पर सेव देंगे। गोल बना लिया। उसके बाद थोड़ा सा चपटा करेंगे, ऐसे छोटा रोटी जैसा बना ले। छोटा रोटी जैसा बना लेंगे। छोटा रोटी जैसे मैंने बना लिया। जो मैंने सब्जी बना के रखा था पत्ता गोभी का, बीच में रखेंगे। दोनों साइड से फोल्ड कर देंगे।
अच्छे से फोल्ड करना पड़ेगा, नहीं तो फ्राई करने का टाइम निकल जाएगा। अभी थोड़ा सा डिजाइन करेंगे। कितना अच्छा दिख रहा है, एक बन के तैयार हो गया। दूसरा भी ऐसे ही बना के लेंगे। मैं और एक बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। आप लोग घर में जरूर ट्राई करके देखिए, खाने को बहुत अच्छा लगता है। हमारा चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मेरा दो बन के तैयार हो गया, बाकी का भी ऐसे ही बना के लूंगी। मेरा पीठा पूरा शेप दे के हो गया, कितना अच्छा भी दिख रहा है। अभी इसको फ्राई करेंगे। कढ़ाई मैंने पहले से ही बिठा दिया गर्म होने के लिए। अब इसमें तेल डालेंगे। तेल अभी गर्म हो गया, एक एक करके मैं पीठा फ्राई करके लेंगे। अभी मैं पीठा को पाटी मारेंगे और अच्छे से फ्राई करके लेंगे। अभी ये फ्राई हो गया पीठा, कलर भी देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अभी मैं निकाल लूंगी, बाकी का भी ऐसे ही फ्राई करके लूंगी मैं। हमारा वीडियो आप लोग यूट्यूब से देख रहे तो सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक से देख रहे तो फॉलो कीजिए। हमारे चैनल में ऐसा रेसिपी बहुत सारा वीडियो है, आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूंगी अच्छा अच्छा वीडियो लेके आने के लिए। तो गाइस मेरा पीठा भी पूरा फ्राई हो गया, अभी मैं निकाल लूंगी। भाजा पीठा पूरा रेडी है, दिखने में कितना अच्छा दिख रहा है और कितना क्रंची हुआ है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आवाज कितना अच्छा आ रहा है। एक फोर के दिखाती हूँ आप लोगों को, बहुत गर्म है और ये खाने को बहुत स्वादिष्ट है। मिलती हूँ कुछ नया रेसिपी लेके।